ट्रैफिक पुलिस के बाद अब नगर निगम ने भी नो पार्किंग से गाड़ियों को उठाने का ठेका ठेकेदारों को दे दिया है। अपनी नौ क्रेनें भी उसके हवाले कर दी हैं। इसके एवज में ठेकेदार नगर निगम को प्रति क्रेन एक निश्चित राशि देगा। क्रेनों के संचालन पर आने वाला खर्च, ड्राइवर का वेतन भी ठेकेदार ही देगा। इसी संबंध में नगर निगम प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। नगर निगम अभी मुंशी पुलिया, फन मॉल, पत्रकारपुरम, चाइना बाजार रोड, लालबाग, हजरतगंज, सहारागंज के आसपास नो पार्किंग से गाड़ियों को उठाने का काम कर रहा था। उनका संचालन भी अब नगर निगम के निजी फर्म मैसेज ट्रिनिटी सर्विसेज को दिया गया है। इसके एवज में ठेकेदार नगर निगम के प्रति क्रेन प्रतिमाह 50,000 रुपए देगा। इसके अलावा ठेकेदार जो अपनी 8 क्रेनें चलाएगा उसके एवज में 30,000 रुपए महीना नगर निगम को देगा। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार का कहना है कि 9 क्रेनों के संचालन पर नगर निगम का जितना खर्च आ रहा था उससे कम आय थी। इसके अलावा क्रेन कम होने से नगर निगम सभी जगह अभियान नहीं चला पा रहा था। इसको देखते हुए निजी फर्म को ठेका दे दिया गया है, जिसमें मुख्य शर्तें भी रखी गई हैं। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक क्रेनें चलाई जाएंगी। 4 पहिया का 1,000 और 2 पहिया का 3,000 रुपए नो पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। क्रेन से गाड़ी उठाने के दौरान गाड़ी में किसी तरह का नुकसान होने पर उसकी भरपाई ठेकेदार देगा। नगर निगम के बूथ से ही क्रेनों का संचालन करना होगा। क्रेन संचालन का रूट चार्ट देना होगा। एक साल के लिए ठेका दिया गया है। नगर निगम के पास पर्याप्त क्रेनें नहीं थी, ऐसे में पूरे शहर में अभियान चला पाना मुश्किल था। नो पार्किंग से गाड़ियों को उठाने में कर्मचारियों की लापरवाही भी दिखी। इन सब के चलते निजी फर्म को काम दिया गया। अगर गड़बड़ी करेगी तो काम वापस भी लिया जा सकता है। गाड़ियां उठाने को लेकर कहा जा रहा है कि इस कंपनी का विवादों से पुराना नाता भी रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, अगर किसी कंपनी का कहीं पे ब्लैकलिस्टिंग है या कोई अन्य जो है कानूनी कमियां पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो क्रेन जिसके संदर्भ में आप लोग वार्ता कर रहे हैं, या क्रेन चूंकि पहले नगर निगम के स्तर से चलाया जा रहा था, जिसमें सारे कर्मचारियों को वेतन और उसके जो डीजल इत्यादि का जो खर्च होता था या मेंटेनेंस, इसका वह नगर निगम कर रहा था। तो प्रायः देखा गया है कि जितना व्यय किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंगली आय नहीं हो रहा था नगर निगम को, इससे आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसी के अंतर्गत विचारणीय बिंदु देखते हुए लोगों से कोटेशन और ऑफर पद्धति पर रेट मंगाए गए। जिन्होंने ज़्यादा पैसे के लिए ऑफर किया उनको निविदा अभी आवंटित की गई है। सर, इससे क्या नगर निगम के राजस्व में कुछ बढ़ोतरी की बात कही जा रही है? प्रति मंथ हम लोग को 7,40,000 के फिक्स जो इनकम होगी हमको प्राप्त होगी। इससे पहले सर क्या होती थी? इससे पहले हम लोग का लगभग 7.5-8 लाख के आसपास में खर्चा होता था। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लगभग हर महीने 20 से 25-50 हज़ार के नुकसान में रहा करते थे। सर, इससे इस टेंडर का कोई विज्ञापन भी, सर विज्ञापन को लेकर भी कोई मतलब ये किसी निर्माण कार्य का जो है नहीं था कि जिसमें टेंडर, क्योंकि ऑफर बेस पे था और इसमें कोटेशन मंगाया गया। जिन्होंने इसमें ज़्यादा प्राइस नगर निगम को देने की बात करी उसको नियमानुसार आवंटित किया गया है।